गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब के हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। और आज की डेट है दोस्तों 30 सितंबर और टाइम हो रहा है सुबह के 9। तो मौसम काफ़ी खुला हुआ है कल की तरह ही, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों सुबह होते ही यहाँ पर हम बन रही है हमारी चाय, विकी बाबा के लिए बिना दूध वाली चाय और मेरे और टीपू भाई के लिए दूध वाली चाय। तो दोस्तों हमारे हाथ लग गया ट्रिमर और हम अभी कुछ जो अपनी दाढ़ी बढ़ रखी है उसको थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हमें सैलून तक जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही कर लेते हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे ट्रिम होने के बाद में। सो फाइनली दोस्तों हमने अपनी जो दाढ़ी है वो ट्रिम कर ली है एंड आई होप सो कि ठीक होगा, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं है, बस थोड़ा छोटा करना था क्योंकि ज़्यादा बड़े हो रखे थे। तो सही हो गया है सिस्टम एंड क्या क्या काम हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। पाइप फिटिंग वगैरह चल रही है और अभी टाइम हो रहा है 12:00 एंड मौसम तो काफ़ी अच्छा ही है पिछले 3-4 दिनों से, और ये आप देख लीजिए। लेकिन आने वाली 4 और 5 तारीख के बाद में थोड़ी बारिश से दिखा रहे हैं, तो उससे पहले पहले अपने जो काम है वो पूरे कर लेते हैं। अभी हमारा जो नया एड्रेस हो गया है वो ये हो गया है स्मरा होम स्टे, जो कि है सुंदरखाल गाँव में और ये पड़ता है नैनीताल ज़िले में, तो उत्तराखंड कुमाऊं साइड। आप आइए कभी और मौका दीजिए यहाँ पर इस होम स्टे में रुकने का इस मौसम के साथ में। ये देखिए, तो अभी ये पुराना वाला किचन है, इसकी जगह एक नया किचन यहाँ बन जाएगा। 2 रूम है, लेटरिन बाथरूम वहाँ पर बने हुए हैं और सामने हिमालय का व्यू है। एक हट बनी हुई है ऊपर, एक और हट वहाँ बना देंगे, तो कैंपिंग भी आप कर सकते हैं। अपना कैंप लाइए साथ में और आपको रीजनेबल प्राइस पे हम यहाँ पर कैंपिंग करने देंगे और जंगल के बीच में एंड नेचर के साथ में आप रहिए हमारे साथ। आइए अभी कुछ और काम कर लेते हैं पहले। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ दुकान को और आज काम थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि कुछ सामान लेने के लिए विक्की बाबा भी बाहर गए हैं और दीपू बाबा भी कुछ और काम है। दोस्तों ये सामने आ गया कमल भाई का घर और आप एक बार व्यू देख लीजिए कैसा हो रखा है अभी। तो दोस्तों आज जिस हम दुकान जा रहे हैं वो भगता की दुकान है और आपने पहले के व्लॉग में भी उनकी दुकान को देखा होगा, और आज मैं अकेला ही जा रहा हूं क्योंकि विक्की बाबा काम पे लगे हुए हैं। और एक बार आप ये व्यू देख लीजिए कि कितने नीचे से हम लोग आए हैं और अभी भी जाना है हमें काफ़ी दूर तक। तो ये देखिए दोस्तों बीच रास्ते में एक और कॉटेज आ गया है, बहुत ही खूबसूरत सा है आज काफ़ी अच्छे व्यू के साथ, और हम लोग बढ़ रहे हैं दुकान की तरफ और बादल भी लग गए हैं, तो आई होप कि बारिश तो नहीं होगी यार। तो लीजिए दोस्तों फाइनली हम लोग रोड तक पहुंच चुके हैं, बहुत नीचे से आ रहे हैं हम लोग और ये है भगतदा की दुकान, भूमिका रेस्टोरेंट। तो ये देखिए दोस्तों एक गाड़ी जा रही है अल्मोड़ा और ये दुकान आ गई है, यहाँ से हम ले लेते हैं सामान कुछ। नमस्ते भैया। तो पहुंच चुके हैं हम किसका मूली का छचवा, मूली जो उस दिन हमने खाया था। हाँ तो फिर तो हमें भी खाना है। अरे बिल्कुल साहब, कैसे हो बाबा साहब? बस बढ़िया साहब। वीडियो देख रहे हो? अरे बिल्कुल सही लग रहे हैं। और क्या काम चल रहा है उधर फुल पावर काम चल रहा है। वो तो मैंने देखा विक्की भाई ने वो बना दिया फर्स्ट क्लास बना दिया, और कल हमने उसमें रूम में आंगन भी डाल दिया, फर्श डाल दिया, अभी 2-3 दिनों में पूरा रेडी कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई। ये लीजिए दोस्तों अभी भगत दा ने गर्मा गर्म चावल और सब्जी। मूली क्या है भगत दा? ये मूली का छेचुआ। मूली का छेचुआ? हाँ बहुत स्वादिष्ट होता है यार ये। हाँ, मैं सोच ही रहा था कि आज वो बने। तो ये पहाड़ी खाना। तो यहाँ आ गई है चाय भगत दा के साथ में। ये बैठे भगत दा, कल हमने इनसे वादा किया था कि ज़रूर आएंगे और आज आ गए हैं। एक बार व्यू देख लीजिए आप भगत दा के घर से, क्या ही शानदार नज़ारे हैं यहाँ से, और मेन रोड भी है तो बादल लग गए फिर से भगत दा। हाँ बादल लग गए, क्या चांस बारिश के? बारिश बता रखी है, कल परसों में बारिश है। अच्छा हाँ फिर से। हाँ ये वाले खेत भगत दा के हैं जहाँ पर मेन हाईवे रोड। तो यहाँ पे देखिए भगत दा अपने बेल मोंटू के साथ खेल रहे हैं। शैतानी भी कर रहा थोड़ी थोड़ी।
ओके भगत दा, अभी निकलते हैं। तो दोस्तों मैं वापस रवाना हो चुका हूँ भगत दा के यहाँ से। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन भगत दा के यहाँ पे। और ये देखिए सनसेट यहाँ पे होता है, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं तो मैंने सोचा कि सनसेट होने से पहले ही चलते हैं, तो अभी वापस जा रहे हैं। वो दोस्तों रास्ते में सामने से कुछ बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, मैं आपको दिखाता हूँ कितने छोटे छोटे बच्चे, देखिए कितनी दूर स्कूल से वापस आते हैं इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दोस्तों देखा कि कैसे पहाड़ी बच्चे स्कूल से आ रहे थे, और आई थिंक एक चीज़ रिकॉर्ड हुई होगी कि पहाड़ों में बच्चों को संस्कार कितना अच्छा दिया जाता है। जब भी उनसे बड़े मिलते हैं तो बच्चे सब लोग प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, जो कि बहुत अच्छा कल्चर और बहुत अच्छी चीज़ है। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम सुंदरखाल गाँव के वापस नज़दीक आ गए हैं। आते वक्त हम उस रास्ते से नहीं आए, दूसरे रास्ते से आए हैं, ताकि आप ये वाला रास्ता भी बता पाएँ। ये रोड के किनारे किनारे ऊपर की तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता है, और यहाँ से हम भगत दा की दुकान जा सकते हैं। और ये रास्ता अभी डायरेक्ट महेंद्र भाई की दुकान है, जो सुंदरखाल गांव के एंट्रेंस पे वहाँ तक लेके जाएगा। दोस्तों मैं वापस पहुँच गया हूँ सुंदरखाल दुकान से होते हुए वापस इस रास्ते से, और ये रास्ता तो आपने देखा ही होगा, गाँव का मेन रास्ता है। यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे इसमरा की तरफ। इस रास्ते से यहाँ पे आके आपको राइट की तरफ मुड़ना होता है इसमरा के लिए। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है अपना इसमरा जगह पे। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी इसमरा के लिए। आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबा? एट्थ। ओके, तो अभी गाय बच्ची लेके आ रखे हैं यहाँ पर, बकरी भी। स्कूल गए थे आज? आज जल्दी छुट्टी हो पड़ी। हाँ जल्दी हो छुट्टी हो पड़ी, क्यों पता नहीं। कितने बजे छुट्टी हो गई थी? 3:30। रोजाना कितने बजे होती है? रोज 3:30। 3:30 हाँ, 2:30 बजे हो गई। 2:30 बजे हो गई थी हाँ। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, मुझे इस रास्ते में सबसे बढ़िया जगह लगती है ये वाली, जहाँ पूरा रास्ता इन पेड़ों से कवर हो जाता है। एक बार आप भी देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं इसमरा को। काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया आज, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या कर रहा है युवराज? ये युवराज है कमल भाई का लड़का। चल बाय। तो फिर लास्ट में हमें यहाँ से एक लेफ्ट लेना होता है इस रास्ते पे इसमरा तक जाने के लिए, जहाँ की रास्ते में कमल भाई का घर भी आता है, वो सामने वाला कमल भाई का घर है। तो वैसे तो आपके लग जाएगी भाई, ऐसे खड़ा है इधर ही मार रहा है तो लगेगी ना? नहीं लगेगी। लग जाएगी। और क्या हाल चाल? अच्छे हैं हाल चाल। अच्छे हैं हाल चाल। चलो चलो, बकरी ले जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मैं दुकान से भाई। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी इसमरा की बाउंड्री में एंटर हो चुका हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमरा पे अभी कौन है, और विक्की बाबा आए या नहीं आए हैं। बंदर तो नहीं आए होंगे पीछे से, क्योंकि बंदर भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं आजकल दिनों में। देखते हैं, इसमरा पे स्पीकर चल रहा है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर पक्का है। विक्की बाबा देखते हैं कहाँ पर है। हेलो बाबा, जाए बटेलिया? हाँ बाबा। अच्छा आ गए आप? हाँ मैं भी आ गया यार। चलो बाबा, क्या हाल चाल दीपू भाई? हेलो बाबा, बढ़िया। आ गए आप? हाँ हाँ, सुंदरनगर घूम के। सुंदरनगर घूम के कैसा रहा आजकल? बढ़िया एकदम शानदार। तो कैसा लगा आपका सुंदरनगर का दौरा करके?
आज काफ़ी दिनों के बाद गए थे बाहर तो अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और आपने देखा कि मैं आज दोबारा काम शुरू हुआ लंच टाइम के बाद। मैं गया हुआ था सुंदर नगर दुकान तक और भगत दास से मिलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा सुंदर नगर तक। तो दोस्तों जो भी हमारे साथ यहाँ स्मरा पे आता है तो उसको हम लोग इस ट्रैक पे लेके जा सकते हैं, वो आपने देखा। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आप सबको हमारे ये उत्तराखंड का होम स्टे वो पसंद आ रहा होगा। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यहीं बना के रखिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना और अपना परिवार ख्याल रखिए और देसी ट्रैवलर को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।